श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज मैं कक्षा 9 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रही हूँ। पहले हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, फिर आज उसी के आगे अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, गृह विज्ञान के उद्देश्य। गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि गृह विज्ञान, गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि गृह विज्ञान को किस तरीके से, मतलब कि गृह का मतलब कि घर को किस तरीके से चलाना है। फिर है इसमें पहला गृह विज्ञान के उद्देश्य में हमने पहला पॉइंट है कि कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था, यानी कि घर को किस तरीके से चलाना चाहिए और घर में किस तरीके से कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर दूसरा है गृह कार्यों में समय श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान। गृह कार्यों में जैसे कि घर के कार्यों में समय, मतलब कि घर के कार्य के साथ साथ हमको समय और श्रम तथा धन की बचत का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको मतलब कि कम समय में ही अपने कार्य को पूरा कर लेना, श्रम मिलता है यानी कि हम लोगों को मतलब कोई कार्य करने में मतलब कि थोड़ा सा आराम मिल जाता है, और धन और जो भी मतलब कि हम लोग क्या करते हैं पैसे को थोड़ा बहुत बचा के रख लेते हैं। तीसरा है शारीरिक रचना एवं व्यवस्था संबंधी का ज्ञान करना, मतलब कि शारीरिक रचना यानी कि शरीर की बनावट की सुंदर, मतलब कि किस तरीके से संबंधित शरीर की बनावट किस तरीके से कर रखनी चाहिए, बना के किस तरीके से शरीर को रखना चाहिए। मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान, यानी कि माता और बच्चे का किस तरीके से पालन करना चाहिए, यह हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत पता चल जाता है। फिर है आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन बनाए रखना। आर्थिक नियोजन यानी कि गृह विज्ञान के द्वारा ही हमको अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने आय व्यय में संतुलन बना के कार्य को करना चाहिए। फिर है परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समान के साथ मधुर संबंध बनाना, यानी कि परिवार में हम लोग सदस्य के बीच में रह रहे हैं तो उनके बीच समानता का अधिकार होना, समान उनके साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ मधुर संबंध बनाना चाहिए। फिर है सातवां है कलाओं एवं शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना, यानी कि गृह विज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं विभिन्न कलाओं और शिल्पों का ज्ञान घर की सुंदरता को बनाए रखता है। जैसे कि हम लोगों को मतलब गृह विज्ञान के द्वारा कला मतलब अनेक प्रकार की चीज़ें यानी सिलाई कढ़ाई बुनाई पाक कला यानी खाना बनाना सारी चीज़ें हमको किसके अंतर्गत मिलती है कला शिल्पों के द्वारा। अगर हम लोगों को ये सब सारी चीज़ जानकारी मिलती रहती है तो हम अपने घर में सौंदर्य की अनुभूति बना के रखते हैं। फिर है आठवां है पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक, यानी कि परिवार में अगर हम पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक है कि अगर परिवार में हैं तो अगर हमें कोई समस्या है तो उसका हम लोग परिवार में मिलकर एक दूसरे से सूझबूझ के उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। या हम किसके अंतर्गत सीखते हैं कि गृह विज्ञान यानी गृह जो हमारे पारिवारिक समस्याएं आती हैं तो परिवार के हर एक सदस्य उस समस्या का निदान कर देते हैं। फिर है अगला हमारा क्या है गृह विज्ञान के तत्व, यानी गृह अगला हेडिंग है गृह विज्ञान के तत्व में कि गृह विज्ञान के तत्व में गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। गृह की साज सज्जा यानी घर को किस तरीके से सजा के और उसको सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, ये हम गृह विज्ञान के द्वारा ही सीखते हैं कि अपने घर में साफ सफाई के द्वारा किस तरीके से अपने घर को सुंदरता और सही तरीके से रख सकते हैं। दूसरा है भोजन तथा शरीर पोषण, भोजन का तथा शरीर भोजन किस तरीके से होना चाहिए और उस वह भोजन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव या कैसा पोषण होना चाहिए कि हमारा शरीर मतलब कि सही रहे। तीसरा है स्वास्थ्य,
गृह विज्ञान के द्वारा ही अब हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य को करते हैं। वस्त्रादि, यानी कि वस्त्रादि मतलब कि हम लोग को गृह विज्ञान के द्वारा नए नए वस्त्रों का, मतलब कि विज्ञान के द्वारा ही हमें नए नए वस्त्रों का देखने को मिल रहा है। जैसे कि है कि विज्ञान के मतलब कि अगर हम लोगों को शिल्पों के आधार पर ज्ञान हो जाता है तो हम लोग कई प्रकार के वस्त्र अपने लिए अच्छे अच्छे वस्त्र तैयार कर सकते हैं। और पांचवा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि व्यक्ति किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए कर उस परिवार को चलाता है। जैसे कि है अर्थव्यवस्था मतलब है यह होता है कि व्यक्ति किस तरीके से व्यवस्थाओं को सही तरीके से कार्य करता है। छठवां है शिशु पालन एवं बाल कल्याण। शिशु पालन यानी कि शिशुओं को पालने के लिए किस तरीके से हमको ज्ञान होता, ज्ञान रहना चाहिए कि शिशु को टाइम से खाना, टाइम से दूध, मतलब हर एक चीज़ उनको हमको किस तरीके से मिलता है गृह विज्ञान के माध्यम से। फिर है सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। यह देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान यह हर बच्चे के अंदर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग समाज में अगर मान लीजिए निकल रहे हैं तो व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, उनको मतलब कि बौद्धिक ज्ञान यानी कि एक दूसरे मतलब कि बाहरी चीज़ों को भी उनके अंदर किस तरीके से कैसे बात करना चाहिए और उनको ये अंदर सामाजिकता का ज्ञान बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि अगर सामाजिकता का ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकता। अगर एक बच्चा अपने सामाजिकता पहले जो ज्ञान होता है वो अपने परिवार के द्वारा सीखता है, परिवार में वह किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वह सीखता है अपने परिवार के माध्यम से। तो आज हम बस आज का टॉपिक इतना ही, फिर अगला टॉपिक हम अगले दिन आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। बस।